आज 1 जुलाई से देश में अनलॉक 2 लागू हो गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी 31 जुलाई तक नहीं खोला जाएगा। लेकिन अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो आपके लिए खबर राहत देने वाली नहीं है। लॉकडाउन की शुरुआत में बैंक खाता धारकों को मिली कई तरह की छूट आज से खत्म हो रही है। इसके तहत बुधवार से सभी बैंकों के खाता धारकों को ATM से कैश ट्रांजैक्शन करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में 8 और नॉन मेट्रो शहरों में 10 ट्रांजैक्शन ही लोग कर सकेंगे। इसके साथ ही खाता धारकों को अपने बैंक के नियमों के हिसाब से हर महीने अपने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा। बता दें कि मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत को लॉकडाउन के दौरान खत्म कर दिया गया था। आपको ये याद दिलवाने की जरूरत तो शायद नहीं है कि मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने पर बैंक जुर्माना वसूलता है। सबसे बड़ी मार ग्राहकों के खाते पर मिलने वाले ब्याज पर पड़ी है। ज्यादातर बैंक बचत खाते में मिलने वाले ब्याज में कमी कर देंगे, जहां पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारकों को मिलने वाले ब्याज में 0.50% की कमी की जाएगी। वहीं अन्य सरकारी बैंकों में भी अधिकतम 3.25% ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही आज से कई बैंकों में डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराने पर लोगों के खाते फ्रीज हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही विजया बैंक और देना बैंक में भी ये नियम लागू हो गया है। गौरतलब है कि विजया और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में IRDAI ने कोरोना के चलते सभी बीमा कंपनियों को कोरोना से जुड़ा फिक्स्ड बेनिफिट कोविड इंश्योरेंस भी लॉन्च करने को कहा है। साथ ही तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती हैं। पिछले कुछ महीनों से कीमतों में इजाफा हो रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से उम्मीद लग रही है कि लोगों की रसोई के साथ ही हवाई किराए में लागत काफी बढ़ जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, रासत्ता एक्सप्रेस।